आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। बेगूसराय सदर पंचायत चेरिया बरियारपुर के नया टोला वार्ड नंबर 9 में शादी समारोह के दौरान मारपीट एवं छीना छपटी का मामला प्रकाश में आया है। उक्त मामले को लेकर पीड़ित व्यक्ति ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार उक्त आवेदन गढ़पुरा थाना क्षेत्र के सुजानपुर वार्ड नंबर 15 निवासी रामविलास महतो के पुत्र लक्ष्मण महतो ने दिया है। आवेदन में पीड़ित ने बताया है कि चेरिया बरियारपुर पंचायत के नया टोला वार्ड नंबर 9 निवासी विनोद महतो की पुत्री निशा कुमारी, जो मेरी रिश्ते में भांजी लगती है, उसकी शादी में 13 मार्च को आया हुआ था। शादी की रात लगभग 10 बजे नाच गाना के दौरान पप्पू पासवान के दो पुत्र रॉकी पासवान एवं गांधी पासवान, संजीव पासवान के पुत्र सौरभ पासवान तथा बैजनाथ पासवान का नाती साहिल कुमार पासवान उर्फ नागा महिलाओं के समूहों में घुसकर महिलाओं से छेड़छाड़ करने लगा। जब मैंने इसका विरोध किया तो वह मेरे साथ भी मारपीट किया। मारपीट के क्रम में निशा कुमारी, जिसकी शादी होने वाली थी, वह भी घायल हो गई। इस क्रम में मेरे गले से सोने का चक्ती भी आरोपित ने छीन लिया एवं शादी का माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से रॉकी पासवान हवा में पिस्तौल लहराते हुए सबको जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अमर कुमार ने वहीं बताया कि सूचना मिली है, पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी।